हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेज ऑफ आरसे एजुकेशन हब बानसूर। चलिए बेटा, डिस्कस करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। एयर के जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं उनको हम किस तरह से सेपरेट आउट करते हैं। ओके, सो देर इज़ ए कंप्लीट कॉलम और व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेसेस आर टेक्स प्लेस, दीज आर गिवन। देखिए होता क्या है, इसमें जो वेरियस कंपोनेंट्स एयर के उनको हम सेपरेट आउट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फिल्टर है, जो भी एटमोस्फेरिक एयर है उसको फिल्टर करके हम इस एयर को पास ऑन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एयर अंडर प्रेशर। ओके, यहाँ पे प्रेशर अप्लाई होता है इस साइड में और इस साइड में, दोनों साइड में क्या है, पिस्टन्स होते हैं। ओके, क्या होते हैं, पिस्टन्स होते हैं, और ये पिस्टन्स क्या करते हैं, यहाँ पे प्रेशर लगाते हैं दोनों साइड से। ओके, एयर के ऊपर या क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं। और प्रेशर जब लगता है तो क्या होता है, सबसे पहले जो एयर एटमोस्फेरिक एयर हमने इसके अंदर एंटर करवाई है, यहाँ पे क्या होता है, कंप्रेस्ड एंड कूल्ड बाई इंक्रीजिंग प्रेशर डिक्रीजिंग टेम्परेचर। यानी यहाँ पे जैसे ही एयर एंटर करेगी तो हम इस पे ये जो पिस्टन्स हैं साइड में, ये इस पे क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। इज दैट क्लियर? तो क्या होता है, कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड क्या होता है, दबाना किसी चीज़ को। ठीक है, कंप्रेस्ड करना, तो यहाँ पे कंप्रेस्ड होगी एंड कूल, और वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। कैसे, जिसे हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं और टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं। टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, प्रेशर इंक्रीज हो गया और कंप्रेस्ड होती चली गई एयर, तो क्या हो गई, कूल एयर, कूल हो गई यहाँ पे। यानी यहाँ पे क्या है, एयर जब यहाँ से एंटर की तो यहाँ पे क्या हो गया, कूल एयर थी। जैसे ही प्रेशर डालेंगे, बार 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 जैसे ही प्रेशर लगाएंगे तो क्या हो गई, एयर गर्म हो गई। आपने कूल एयर यहाँ से डाली फिल्टर के थ्रू, एटमोस्फेरिक एयर जो कूल है, कूल एयर पे जब कंप्रेशन लगा, प्रेशर लगा बार बार, टेम्परेचर तो डिक्रीज हो गया बट प्रेशर बढ़ा, उससे क्या हो गया, एयर हॉट हो गई। अब हॉट एयर कहाँ एंटर करेगी, इस कॉलम में एंटर करेगी। यहाँ पे क्या हो गया, एयर का हम कूल डाउन करेंगे। कैसे कूल डाउन करेंगे, तो देखिए ये पूरा जो कॉलम है, एयर इसके अंदर जा रही है। ठीक है, एयर इसके अंदर जा रही है। अब ये जो ट्यूब है इसमें हम बहुत ही कोल्ड वाटर पास ऑन करेंगे। कैसा वाटर पास ऑन करेंगे, कोल्ड वाटर। ये पूरी ट्यूब है रोटेटेड, तो अब सिंपल सी बात है, जब इसमें कोल्ड वाटर होगा, फ्रीजिंग वाटर होगा, बहुत ठंडा पानी होगा, तो इसके आसपास की एयर भी कैसी होगी, कूल हो गई। इज दैट क्लियर? सबसे पहले जो एयर थी वो कूल थी, कूल यानी एक नॉर्मल स्टेट में आप कह सकते हो कूल एयर थी। ओके, ये कूल एयर फिर क्या हुआ, ये एयर कहाँ हमने एंटर करवाई, इस कॉलम में एंटर करवाई, जहाँ पे उस पर बार बार प्रेशर लगा। ठीक है, दोनों साइड से पिस्टन ने उस पर दबाव डाला, दबाव डालने से एयर कैसी हो गई, हॉट। हॉट एयर को हमने इस दूसरे टैंक में डाला, इस टैंक में क्या थी, एयर हॉट थी, बट उसके बाद हमने इसके अंदर जो ट्यूब है उसमें कोल्ड वाटर पास ऑन किया। जब कोल्ड वाटर पास ऑन किया तो पूरी की पूरी एयर जो इसके कॉन्टेक्ट में आई वो कैसी हो गई, ठंडी हो गई। ठीक है, पानी को हमने यहाँ से आउट निकाल लिया। अब जो कोल्ड और कंप्रेस्ड एयर है, ठीक है, कोल्ड और कंप्रेस्ड एयर है, एयर कैसे हो गई, अब ठंडी हो गई, कंप्रेस्ड हो गई, इसको हम सेपरेटर में डालेंगे। देखिए पहला प्रोसेस हमारे पास यही है, एयर है, पहले नॉर्मल एयर थी उसको हमने कंप्रेस्ड किया। ठीक है, कंप्रेस्ड कैसे किया, हमने प्रेशर बढ़ाया, फिर हमने उसको कूल डाउन किया। कैसे, जो वाटर की जो ट्यूब थी उसमें ठंडा पानी पास ऑन करके हमने उसको कूल किया, इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। अब ये जो कूल एयर है वो किसमें कन्वर्ट हो गई, लिक्विड एयर में। आपने देखा यहाँ पे सेपरेटर है, सेपरेटर से क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले CO2 जो गैस है वो रिलीज आउट हो जाएगी। अंडरस्टैंड, सबसे पहले हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकाला। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है गैस की फॉर्म में नहीं निकलती, बल्कि ये ड्राई आइस, सॉलिड आइस की फॉर्म में निकलती है। ठीक है, यानी यहाँ पे जैसे आपने कोल्ड और कंप्रेस्ड एयर को सेपरेटर में डाला तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सी गैस सेपरेट आउट हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले नंबर पे कौन सी गैस अलग होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको आप याद रखना, ड्राई आइस भी बोलते हैं। कौन सी गैस को ड्राई आइस बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई सेपरेटर के बाद, अभी जो एयर है ये कैसे बन गई, लिक्विड एयर। कैसी एयर बन गई, लिक्विड एयर। अब ये लिक्विड एयर क्या होगा, अब अलाउ टू वाटर अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होगी, वार्म अप हो जाएगी। ठीक है, किसमें, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में। यानी यहाँ से लिक्विड एयर को हमने डिफरेंट फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर डाल दिया, यहाँ पे क्या होगी, धीरे धीरे वार्म अप होगी और गैसेस अलग अलग सेपरेट होती चली जाएंगी। अब देखिए सबसे पहले तो कौन सी गैस सेपरेट आउट हो गई, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर कौन सी होगी, नाइट्रोजन, क्योंकि माइनस में कोई भी वैल्यू बड़ी होती है वो छोटी होती है, तो सबसे पहले किसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा, नाइट्रोजन का, तो फिर नाइट्रोजन अलग होगी। फिर कौन सी होगी, आर्गन, और एट लास्ट में कौन होगी, ऑक्सीजन। आपको दिखाई दे रहा है पहले नाइट्रोजन सेपरेट हो गई, फिर आर्गन सेपरेट आउट हो गई, यहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन आ गई। तो ये आपको ध्यान रखना बेटा, एक तो ये पूरा का पूरा कॉलम है किस तरह से सेपरेट है, आपको ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने हैं कि सबसे पहले जो एयर है, वापस रिवाइज कर रहे हैं ध्यान से सुनना, कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से हम किस तरह से एयर के वेरियस कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करेंगे।
तो सबसे पहले एटमोस्फेरिक एयर है उसको हम एंटर करवाएंगे जहाँ पे उस पर प्रेशर लगेगा, ठीक है। क्या होगा, प्रेशर लगेगा, इंक्रीज प्रेशर है, डिक्रीजिंग टेम्परेचर, और कंप्रेशन हो ही रहा है, प्रेशर लग रहा है तो कंप्रेशन हो ही रहा है, जिससे एयर कैसे होगी, पहले तो वार्म अप होगी, ठीक है। वार्म अप होने के बाद आपने देखा इस ट्यूब में हम ठंडा पानी डालते हैं तो इसके कॉन्टेक्ट में जो एयर आएगी वो भी कैसे हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, फिर ये कोल्ड एयर आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे यानी सबसे पहले एयर है वो कंप्रेस्ड एंड कूल एयर है बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। फिर क्या होगा, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड एयर में। जब लिक्विड एयर में कन्वर्ट होने से पहले ही आपकी CO2 सेपरेट आउट हो जाती है, दिख रही है ना आपको सेपरेटर में, CO2 सबसे पहले सेपरेट आउट हो जाती है, और वो भी किस फॉर्म में, सोलिड आइस या ड्राई आइस की फॉर्म में। फिर लिक्विड एयर है यहाँ से, फिर ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम आ जाता है, यहाँ पे फिर सबसे पहले सेपरेट आउट होगी कौन, नाइट्रोजन, इसका बॉइलिंग पॉइंट है -196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये कितनी होती है एटमॉस्फेयर में भी आपको बताया 78% होती है। उसके बाद आर्गन सेपरेट आउट हो जाएगी, इसका होता है 186 डिग्री टेम्परेचर, तो दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे ये सेपरेट होगी, क्योंकि सबसे पहले तो कौन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर होगी नाइट्रोजन, फिर होगी आर्गन, ठीक है। और एट लास्ट में कौन सेपरेट होगा, ऑक्सीजन, क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है -183 डिग्री सेल्सियस। और इसकी परसेंटेज कितनी है, आर्गन तो बहुत कम होती है 0.9% और ये होती है 20 point some, ठीक है, इज दैट क्लियर बेटा। तो इस तरीके से हम जो एयर है उसके वेरियस कॉम्पोनेंट्स को सेपरेट आउट करते हैं। आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, कोई भी प्रॉब्लम आपको है तो आप पूछ सकते हैं। ओके बेटा, टेक केयर, हैव ए गुड डे।